क्या हुआ इसमें? आधी गाड़ी डूब जाएगी, इतना पानी है। गड्ढा वड्ढा ना हो इनमें। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे रुक जाओ पापा जी, अरे पापा रुक जाओ। देख रहे होंगे पीछे सारी बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आगरा में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं बाहर से सारी यहीं पे खड़ी होती हैं, सारी की सारी। ये ट्रांसपोर्ट नगर है इसीलिए। तो अभी हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लेना है सीएनजी। तो गाड़ी में सीएनजी खत्म हुई, सीएनजी भरवा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ की एक फेमस दुकान है जहाँ पे पूरी और सब्जी मिलती है, वो खाने के लिए जाएंगे। जब भी हम आगरा में आते हैं तो वहीं पे खाते हैं, तो वहाँ पे जाके पहले वो खाएंगे, फिर कुछ पेठे लेंगे जो मैंने आपको बताया था कि पंछी पेठे यहाँ के फेमस होते हैं। तो एक दुकान है वो मैं दिखाऊंगा आपको, वहीं पे जाके पेठे लेंगे, तो फिर यहाँ से खाना पीने खा के फिर आगे निकलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अपनी गाड़ी अभी यहाँ खड़ी है। व्हाइट वाले देना भैया, व्हाइट वाले। मैंने खाई 3 प्लेट, मजा आ गया। यहाँ तक भर के खाया पूरा। पिछले साल भी आए थे बट पिछले साल दुकान खुली नहीं थी, सुबह निकले थे हम इधर से। पीछे है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है, बारिश भी होने लगी है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। मैंने बताया था कि बहुत सारे दुकान होते हैं पंछी पेठा के नाम से, बट इसमें कैसे ओरिजिनलिटी का कैसे पता चलेगा? तो इसमें दुकान के ऊपर देख रहे बोर्ड पे लिखा होगा सर्टिफाइड नंबर, यानी ये सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट नंबर इन्होंने ऊपर भी लिख रखा है दुकान के बोर्ड पे, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये सर्टिफाइड है यानी ओरिजिनल है यानी। तो ये वाला दुकान जो मैं दिखाने वाला हूँ ये ओरिजिनल है यहाँ का पंछी पेठा। यहाँ बहुत सालों से खा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेठे मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के। चलते हैं अभी अंदर, देखते कौन कौन से भी ले रहे हैं। तो असली की पहचान जो होगी छोरिया बनी होगी, यार बना होगा कि लड़की छपी होगी। अच्छा, ये चिड़िया बना होगा, यार बना होगा, यार बना होगा और लड़की छपी होगी। और अपने आगरे में 400 का है, 400। हाँ जी, बाकी सब कुछ दिया होगा। हाँ जी, और बाकी सब कुछ लेते हैं। न्यू पंछी श्री पंछी लगा रखा है वही मैं देख रहा था, क्योंकि आगरा में काफ़ी सारी दुकानें गली गली में पंछी बैठे। आई एस ओ नंबर लिखा हुआ बोर्ड पे है क्या? हाँ देखा, GST नंबर होगा, हमारे डब्बों में डेट वेट सब लिखे होंगे। लोकल वाले में पाएगा डेट पर कुछ नहीं लगा होगा। वही मैं कह रहा था सर्टिफाइड नंबर। हाँ हम तो वैसे आते रहते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं, जब भी आगरा में आते हैं चले जाते हैं, हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता नहीं है। पंछी पेठा हर दुकान हर गली गली में। हाँ जी, वही इसीलिए बना रहा हूँ ना मैं, मैंने बता दिया लोगों को कि आप सब देखते हो गए गली गली में पंछी पेठा लिखा है। बट ओरिजिनल लोग कई होते हैं कि कहीं से भी ले जाते हैं, बाहर से आते हैं पता नहीं है। डुप्लीकेट बहुत वही है, बहुत। स्टार्ट हो गया, मैं जाऊंगा तो भींग जाऊंगा, अभी भी गाड़ी मंगवा रहा हूँ, पापा इधर आएंगे। तो अचानक सी तेजी हो गई। ओरिजिनल वाला उस पर ये लिखा होगा, ये ऊपर R लिखा होगा और ये साइन बना होगा, और प्लस उन्होंने ये दिखाया यहाँ पे
इनके आगरा में 4 दुकान है जिनकी लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। ये सब हैं, पेठा गुलाब लड्डू हैं, चॉकलेट पेठा, ये सारे तो पेठा ही हो गए, प्लस मिक्सर है और क्या क्या, ये मूंग दाल और नमकीन वगैरह भी रखते हैं और दाल मोठ गज्जक ये सब भी रखते हैं। आगरा से जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन वहाँ पे प्रेम मंदिर जाएंगे सबसे पहले। वो भी बारिश हो रही है रास्ते में बहुत तेज, वहीं से आगरा से ही। बहुत तेज बारिश हो रही है रास्ते। तेजी होते जा रही है बारिश, तो और भी ज़्यादा लग नहीं रही है रुकेगी बारिश। ये आगे सटाना है, ये सब है, ये सब आगे सटाना क्या सर, कपड़ा वपड़े जो ये भी उधर सही है। ओहो वही ट्रेन है, दिख नहीं रहा बारिश की वजह से। और सोच सोच क्या हुआ, तू दिख नहीं रहा भाई, धीरे कर लो ना, धीरे चलाओ ना, धीरे में भी नहीं दिख रहा, ये लग रहा था कोई गाड़ी खड़ी है रोड। लाओ ये तो रुक रुक, ये ऑरेंज वाला हटा दो चाहिए। हाँ हाँ सर, नहीं वो बीच में झाड़ी था ना, ये हटा ही दे रहा हूँ, थोड़ा गर्म दे रहा हूँ, हटा दो। वो बीच में झाड़ी था ना, मेरे को लगा उसमें कोई गाड़ी है उसके अंदर। दो महीने में फायदा है, दो किलो थोड़ी देर जब तुम्हें कोई गाड़ी तो नहीं देखियो, इसी के नीचे रोक लूँ, ज़्यादा सीधा आगे रोकूँगा, बारिश में खड़ा रहूँगा ना, सेफ साइड खड़ा रहूँगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा था, गाड़ी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। दिख नहीं रहा है तो क्या करोगे, जबरदस्ती चलने से फायदा नहीं है। वैसे भी हमारा तो वाईफाई भी ख़राब है, सही से चल नहीं रहा, ये साफ नहीं कर रहा, नहीं तो दिखता भी कुछ कुछ। धीरे ही चल लो इससे बढ़िया, धीरे 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 चल लो भले ही। नहीं धीरे भी चलूँगा, दिखेगा तभी तो, अभी अभी दिख नहीं रहा था थोड़े पहले। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी थोड़ा, बारिश तेज हो जाती है ना, वाइपर सही से चलता नहीं है, फिर दिखता नहीं है। वाइपर की कमी है, वाइपर काट नहीं पा रहा है पानी। ये वाला वाइपर फिर भी ठीक है, वो वाला पूरा ही खराब है, उसमें देखो पानी बिल्कुल यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं हटता। अगर मैं रुक रहा हूँ ना तो पीछे सारी बारिश कब हो जाएगी। हाँ कहीं जगह पर दे रखा हो, वहाँ रुकने में फ़ायदा भी है। बहुत तेज हो रही है उधर तो लग रहा है, और भी ज्यादा तेज हो रही है उस तरफ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। खिड़की से बाहर क्या मेरा बाली गीला हो गया, उधर से कम हो रही है यहाँ पे बारिश, पीछे ज्यादा तेज हो रही थी। जय हिंद। ओह वाह रिवर क्रॉसिंग, पर वो नीचे थी। मथुरा 24 किलोमीटर। नहीं भाई उस रास्ते पे देखो पूरा पानी लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल, इसमें फिर भी कम है, इसमें तो नहीं है। अरे हाँ फास्ट टैग लगा हुआ, फिर भी इतना टाइम लग रहा है।
फिर क्या फायदा फास्टैग का? पे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप के लिए, यहीं से पीछे से ही। इधर तो ये रहा, अरे कट तो था, देख के दिखता है पानी भरा हुआ, गड्ढा वड्ढा होगा पता भी नहीं चलेगा। आगे भी है गड्ढा, होगा गड्ढा भी हो सकता है, पानी भरा हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा। हवा डलवाना है हमें, 14-15 किलोमीटर से ढूंढ रहे थे पेट्रोल पंप, मिला ये रहा। भैया हवा डाल दोगे? नहीं क्यों? अरे ये तो रहा, ये तो है, मना कर दिया इसने भी। हवा डाल दे भाई है, हाँ चारों में देख ले, कम है जिसमें उसमें डाल ले। जैसे हम खा के निकले वहाँ से, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हुई, अभी तक बूंदाबांदी हो ही रही है यहाँ पे भी। और अभी हमें मंदिर जाना है, प्रेम मंदिर, अगर ऐसी बारिश होती रही तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी, हमें वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाएंगे। इतना पानी जम कैसे जाता है यहाँ पे? इसमें आधी गाड़ी डूब जाएगी, इतना पानी है। ट्रक वाला तो उधर से निकाल ही सकता है, उसे क्या दिक्कत है? पूरे रास्ते पर पानी पानी है, गड्ढा वड्ढा ना हो इनमें, आराम से चलो गड्ढा वड्ढा देख के। अभी टाइम, अभी जो गूगल मैप टाइम दिखा रहा है वो 7:40 दिखा रहा है, 7:40 दिखा रहा है, वो जाते जाते 8 से ऊपर हो जाएगा, वो तो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार 8 बजे तक पहुँच जाएंगे तो ठीक है। हाँ बंदी भी हो जाएगी गाड़ी ऐसे तो, लग रहा है नदी में चला रहे हैं, इतना पानी है। उस रोड का भी पानी, इसी रोड पे आ गया तभी उस रोड पे पानी नहीं है। इस वाले रास्ते पे भी जाम लगा हुआ है लग रहा है, इधर वाले पे भी। यहाँ से पूरा जाम था ये रास्ता, हाँ इसी वजह से जाम होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा और चल लेते हैं इस रास्ते पे, फिर उधर चलेंगे जहाँ से खाली मिलेगा। गाड़ी में क्या हो रहा है, बार बार बंद हो रही है ये रोड, तो मेरे समझ नहीं अंदर जा रहा है है ना, वापस लेना पड़ेगा यहाँ से, वापस ही लेना पड़ेगा यहाँ से। एक मिनट, अंदर से कहीं आगे से कहीं जोड़ेगा तो नहीं, जोड़ दे कहीं, नहीं नहीं बाहर जा रहा है ये, कहीं ये अंदर घुस रहा है कहीं गाँव वाँव में, रास्ता वापस लेना पड़ेगा। पक्का? हाँ पक्का, ये देखो ना ये हाईवे इधर जा रहा है और हम जिस रास्ते पे हैं, हाईवे इधर गया हम जिस रास्ते पे, वो इधर आ रहा है, अब वापस हमें उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। ओए मेरे समझ से जाम जो है ना इसी दोनों के रास्ते पे है, ये जो चौराहा बना हुआ है, ये जो कट है यहाँ पे, इसी वजह से जाम लगा हुआ है। हाँ ले, यहीं से मोड़ो ना, पीछे जाम है उसमें, इधर की तरफ से ही ले चलना, पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। अरे यार ये क्यों बंद हो जा रही है, ये बाइक वाली घुसे नहीं। थोड़ा उधर ही रखना, इस गाड़ी के पीछे रखोगे जाम लग जाएगा, इसके आगे से निकलना पड़ेगा। चलो 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 चलो, इसके पीछे निकाल, चलो चलो। रुको, वो खड़ा है ना, वो करवा रहा है। चलो चलो रुक जाओ, इस पे भी तो जाम ही है, आगे भी जाम लगा हुआ है। बहुत लंबा, पता नहीं कितना जाम है ये। पकड़ता हूँ, अरे रुक जाओ पापा जी, अरे पापा रुक जाओ,
वाइपर रुक जाओ, मार नहीं करिए। भाग रहे थे सही से कह रहा, मुझे पता भी नहीं चला आप आगे निकल गए। कितने सारे पुलिस पुलिस बहुत सारे था, जैसे घुस रहे थे हम लोग। हाँ वैसे ही घुस रहा है, इसी चक्कर में जाम हो रहा है शाम के टाइम में। तो जब इतना हाई जब पुल बना हुआ था, इसका तुम बंद करो। वही तो देखना, यहाँ भी जाम है यार। जब पुल बना हुआ था तो बंद कर दो, नीचे दिखाएगा लोग। 8:30 तक खुलता है, 8 बजे वहाँ पहुँचने का दिखा रहा है। अगर पहुँच गए तो फिर गाड़ी लगा दूँगा, तुम फटाक से पूछ के काम को इस बार चले जाए। आप भी तो चलोगे मेरे चक्कर में, छोड़ोगे तो तुम भी जा पाओ। मैं बता रहा हूँ इनको गेट पे छोड़ दूँगा जहाँ तक पार्किंग है वहाँ तक, उसके बाद तुम चले जाना। अरे मंदिर बहुत बढ़िया है, अभी चलोगे आप? अरे फिर हम पार्किंग करके देखेंगे, जुगाड़ होगा तो पता चले। तुम भी नहीं गए, हम भी ना गए। मैं उतर जाऊँगा ना वहाँ पे पहले।